की बहुत ही मजेदार और टेस्टी रेसिपी है और बनती भी बहुत जल्दी है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको डेली रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए जी बनाते हैं गार्लिक ब्रेड चिकन। गार्लिक ब्रेड चिकन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की जरूरत है, मैंने एक अदर चिकन ब्रेस्ट लिया है और इन्हें मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। बटर मैं यहाँ पे लूंगी 2 टेबलस्पून, कुकिंग ऑयल मैं यहाँ पे लूंगी 1 टेबलस्पून, सोया सॉस मैं यहाँ पे लूंगी 2 टेबलस्पून, हनी यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून लूंगी, लेमन जूस यहाँ पे मैं लूंगी 3 to 4 टेबलस्पून, सॉल्ट एज टू टेस्ट, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, रफली चॉप गार्लिक यहाँ पे मैं लूंगी 1 टेबलस्पून, और सेसमी सीड्स यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, स्किप करना चाहें तो कर दें। चलिए जी अब हम बनाते हैं गार्लिक ब्रेस्ट चिकन। चलिए जी अब सबसे पहले हम ब्रेस्ट चिकन को मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट के लिए जो हमें चीजें चाहिए, वो जो मैंने आपको मसाला जार बताए थे, ये डालेंगे हम। ये आपको मैंने लेमन जूस बताया था और ये गार्लिक, दो टेबलस्पून सोया सॉस और ये हनी 2 टेबलस्पून जो आपको बताए थे मैंने। ये थोड़े से तिल जो आपको बताए थे, और 1 टेबलस्पून जो आपको मैंने कुकिंग ऑयल बताया था, इनको मिक्स कर देती हूँ। इन्हें मिक्स करके मैं एक पेस्ट सा बना लेती हूँ, फिर इसी में ब्रेस्ट चिकन जो है वो मैं मैरिनेट करूंगी। ये हो गया मिक्स। अच्छे से आप इसको मैरिनेट कर लें। ये जो मैंने कट लगाए हैं, आपने इसमें हाथों के साथ डालें या चम्मच यूज कर लें। ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको सारा जो मिक्सचर मैंने बनाया था। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ती हूँ, फिर 15 मिनट के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। 15 मिनट हो गए और हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम इसे फ्राई करते हैं। बटर आपको बताया था मैंने 2 टेबलस्पून, तो मैं डालती हूँ। और ये थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। बटर हमारा हो गया अच्छे से गर्म। अब मैं इसमें रखती हूँ ब्रेस्ट चिकन। आप इसे 5 से 6 मिनट एक साइड से पका लें, और आग जो है वो मैंने मीडियम टू लो रखी हुई है। चलिए जब इसकी साइड चेंज करती हूँ। ये वेजिटेबल्स हैं, ये मैं इसके साथ ऐड करने लगी हूँ। जैसे मैंने आपको नहीं ये बताया, आपकी मर्जी आप ऐड करें या ना करें, लेकिन मैं चिकन के साथ ये बना रही हूँ। चिकन हो गया तैयार, अब मैं इनको निकालती हूँ, और जो मैंने वेजिटेबल डाली हैं वो उनको मैं पकने के लिए छोड़ती हूँ पैन में। और ये जो मैंने वेजिटेबल डाले हैं, मैं इनको इसी सॉस में पका रही हूँ जो मैंने तैयार किया था चिकन ब्रेस्ट के लिए। लीजिए मज़ेदार सा गार्लिक ब्रेस्ट चिकन हो गया तैयार। आप इसे बॉयल्ड राइस के साथ खाएं, वेजिटेबल के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का बनता है, और जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट है। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसा बना है। हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह।